बच्चों अब हम पार्ट दो दोस्त के मौखिक प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। हमारा पहला प्रश्न का है, खरगोश कहाँ रहता था? बताओ बेटा, शाबाश शाबाश बताओ। इसका उत्तर है, खरगोश पेड़ के नीचे बिल में रहता था। कहाँ रहता था खरगोश? पेड़ के नीचे बिल में रहता था। शाबाश। अब हमारा प्रश्न नंबर खा है, कछुआ तालाब तक क्यों नहीं पहुंच सका? शाबाश बताओ बेटा। इसका उत्तर है बेटा, कछुआ तालाब तक इसलिए नहीं पहुंच सका क्योंकि वह धीमी चाल से चल रहा था। कछुआ कैसी चाल से चल रहा था? धीमी चाल से, इसलिए वह तालाब तक नहीं पहुंच सका। शाबाश। अब हमारा प्रश्न नंबर ग है, खरगोश की आंखों में चमक क्यों आई? बताओ बेटा, क्यों आई चमक खरगोश की आंखों में? इसका उत्तर है बेटा, खरगोश की आंखों में चमक इसलिए आई क्योंकि उसे एक उपाय सूझा था। उसने वो उपाय किसके लिए सोचा था? अपने दोस्त कछुए की जान बचाने के लिए उसने एक उपाय सोचा और इतनी अच्छी तरकीब से, बड़ी होशियारी से उसने अपने दोस्त कछुए की जान बचाई।